हालेलुया 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 रीमा राशि काराबा रिकम जयम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए। उपास प्रार्थना पिता हमारी सहायता किया, दिन भर हम धन्यवाद करते हैं। नया महीना नई आंसुओं से भर जाए, इनके काम सफल हो जाए, बंधन टूट जाए, सारा भू चिंता परेशानियों से पिता जाद होकर आपके ये महिमा करने वाले हो जाए। आमेन। प्रेज़ टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के उपास प्रार्थना की सभा में, और जितने लोग उपास में रुके हैं प्रभु उन सबों को अपनी आंसुओं से भर रहा है। विश्वास के साथ लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास में रुके प्रभु आपको अपनी आंसुओं से भरेगा, सारे कामों को सफल करेगा, बंधनों को तोड़ेगा और चिंता और परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। देखिए पहला यूहन्ना 4:4 में परमेश्वर क्या कहते हैं, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उनसे जो इस संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो बड़ा है, यानी कि कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर पल हर समय आपकी सहायता करने में वो तात्पर्य है, आपकी सहायता करेगा और आपको अपनी आशीषों से वह भरेगा। सारा बोझ और चिंताओं को प्रवेश मसीह के ऊपर डाल दो। वो कहता है करता हूं मैं तेरी चिंता, तू चिंता क्यों करता है। हम विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चले, प्रार्थना करें, उपास में रुके और प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को जिए। परमेश्वर हमारी ओर है, हमें किसी बात की चिंता नहीं। हर एक बात पे धन्यवाद प्रार्थना और विनती में रखो, प्रभु तुम्हारे लिए रास्ते को खोलते जाएगा, तुम्हारे बंधन टूटते जाएंगे, तुम्हारे मार्ग ओपन होते जाएंगे और सारा बोझ और चिंता और परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद करते जाएगा। हम विश्वास करें, विश्वास को थामे रहें, हमारे लिए आशीषाई क्रम प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उसने कहा है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। नीति वचन 18:10 यह हमें बताता है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है, क्योंकि धर्म के और जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए आशीष के रास्ते को खोलते जाता है और हमें आशीष पे आशीष हमें देते चला जाता है। हम विश्वास करें, हमारे लिए रास्ते खुलते जाएंगे और बंधन यीशु के नाम में टूटते जाएंगे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग उपास में रुके प्रभु आप सबको आशीष दे, और जितने भाई बहनों को अपने बीच को बोया है प्रभु के कार्य के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। हम हमारी मिष्ट हर रोज बड़बोझ के साथ प्रार्थना करेगा, अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। उपास प्रार्थना परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भर रहा है। पिता धन्यवाद करते नया महीने, पिता आपने उपास में पिता में रुकने में सहायता किया, दिन भर कार्य मंगवाई की, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया पिता, और अपनी अभिषेक अपनी आशीष अपनी सामर्थ्य से आपने हमें भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते हैं। ओ रीमा रा सिखा रबा। आमेन आमेन आमेन। विश्वास करें, विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भर रहा है, आपको सामर्थ्य से भर रहा है, अपनी अभिषेक से भर रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, हर एक दुखों का इनके जीवन में अंत हो जाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ रीमा रामा सिकार धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुख खोले, मुख खोलकर प्रार्थना करें। यस ओ हालेलुया। ओ रेस सेखरी आज के उपास का दिन ठहराया लगातार 3.5 वर्षों से पिता ये कार्यक्रम पिता करने में आपने हमारी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग उपास में रुके इन सबों को पिता अपनी अभिषेक अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जितनों के पिता परमेश्वर जिस विषय के लिए पिता रुके हैं उनके कामों को सफल कीजिए पिता, उनको पिता परमेश्वर अपनी दुगनी आशीष से भर दीजिए।
इनके सारे कामों को सफल कीजिए पिता, और सारा वो चिंता परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए। ओ प्रभु, जिनके उपास प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। लगातार 3 महीने तक हर फैडे को उपास रुकने में आप इनकी सहायता करें पिता। और प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए और आपकी बड़ी आशीष के साथ ही आशीष हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, सुख और शांति इनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। ये उपास प्रार्थना इनके परिवारों के लिए आशीषमय हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, इनका सारा दुख परेशानी चिंता निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। ओ रिमारा सिखा रबा, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया। इस उपास प्रार्थना को हम आपके नाम से ब्लेस करते, जितने लोग उपास में रुके उन सबों को ब्लेस करें, जो नहीं रुक पाए अगले सप्ताह से उपास रहने में सहायता और मदद करें पिता। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, अपनी आशीष अपनी सामर्थ्य से हर एक को भर दीजिए पिता, और ये नया महीना नई आंसुओं से भर जाए। पूरे महीने अपने टिल डॉल में आगे बढ़ाइए और अपनी आंसुओं से भर दीजिए। ये नया महीना नई आंसुओं से भरने का साल ठहरने पाए, ये महीना ठहरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पूरे महटिल डोल में आगे बढ़ाइए, सारा बोझ चिंता परेशानियों से ये आजाद हो जाए पिता। इस नए महीने में आशीषित हो जाए खुदावन, इस नए महीने को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको इस नए महीने में अपनी आंसुओं से भर रहा है, आपके कामों को सफल कर रहा है, सारा बोझ और चिंता परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है पिता। हम आपके नाम से इस नए महीने में आशीष करते हैं पिता। प्रभु जी, हर एक को अपनी आंसुओं से भर दीजिए खुदावन, जो भी काम होने को सारे काम सफल हो जाए पिता। नया महीना नई आंसुओं का महीना ठहरने पाए, जो बीमार है वो चंगे हो जाए, परेशानी चिंताएं दुख निराशापन दूर हो जाए नए महीने में, नए नए द्वार खुलने पाए, नए नए मार्ग बनने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए इस महीने। ओ पिता, आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते हैं, आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं। बीमार लोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, सारे बंधन और श्राप के बंधनों से आजाद हो जाओ। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर है, ओ हो रसे कोड़े खाने तुम चंगे हो चुके हो, अपने पापों गुनाहों से फिरो और यीशु मसीह के पास आओ और उससे प्रार्थना करो, वो आपको अपनी आशीष अपनी सामर्थ्य से भर रहा है। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर एक बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूट रहे हैं। आप दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, हाँ और आमीन के साथ रिसीव करें। किसी गांव की शहर किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको शिफा और चंगाई दे रहा है। बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, आपके हाथों पैरों में नया बल और नया शक्ति और एक नया सामर्थ्य आ रहा है। हर एक दर्द और बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूट रहे हैं, बीमारी आपके शरीर से निकल रही है। ओ इसी समय पिता, आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए, यह आशीषित हो जाए पिता। हर एक बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए और ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। ओ रिमारा सिखा राबा रेकम जयम। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अपनी आंसुओं से भर रहा है, आपको चंगाई से भर रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीरों में प्रकट हो रही है। रीमा रासिखा रबा आमेन आमेन। इसमें मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भर रहा है, आपको चंगाई से भर रहा है, हर एक बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस गांव जिस शहर जिस जिले जिस कस्बे में रह करें आप प्रार्थना को देख रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको सिफा और चंगाई दे रहा है। हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मुंह खोलकर प्रार्थना करो, मुंह खोलकर प्रार्थना करो। स्वर्ग का परमेश्वर आपको सिफा और चंगाई दे रहा है इसी समय पे, ताकि ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, हर एक बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, झुनझुनी कम पर मिर की झटके हमारी अब बाहर जाए। आज के उपास प्रार्थना में नए साल नए महीने पिता हम इन्हें आशीष करते हैं, ये उपास प्रार्थना नया महीना इनके उनके परिवारों के लिए आशीष भरा होने पाए पिता परमेश्वर।
आपके नाम से मैंने प्लेस करते हैं, आपके नाम से मैंने आशीष करते हैं पिता। ये उपास प्रार्थना इनके परिवारों में आशीष को लेके आने पाए, सारे बंधन टूटने पाए और पिता ये नया महीने में आशीष और चंगाई का महीना ठहरने पाए, सारे काम सफल हो जाए। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, बीमारी के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए इसी समय। ओ रे से खेरेवे, हर एक बीमारी के बंधन से ये आजाद हो जाए पिता। इनके हाथों पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, टखनों का दर्द, बैक पेन, घुटनों का दर्द और यीशु के नाम में बाहर जाए। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, बीपी सूख नम हो जाए, क्रिस्टल कम हो जाए और खून की कमियां दूर होने पाए, पेट की बीमारियां बाहर जाए, झुनझुनी कंपन मिर्गी झटके वाली बीमारियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल, गांठे बाहर जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसिक्रिवे, सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। ओ हालेलुया हालेलुया, सारे बीमारी, सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए इसी समय। हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो जाए पिता, और बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर बाहर जाए, जो एडमिट हॉस्पिटल में वहां से आजाद हो जाए, और पिता गांठे पथरिया यीशु के नाम में बाहर जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। आपने शिफा दिया, आपने चंगाई दिया, हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से आपने पिता इन्हें आजाद कर दिया। हम धन्यवाद 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 करते हैं और यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं पिता। आपने अभिषेक, अपनी सामर्थ, अपनी आशीषों से आपने भर दिया इन्हें, आपने आशीष और चंगाई दिया इन्हें पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, यह आशीष हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। विश्वास करें, विश्वास करें, अद्भुत कार्य प्रकट हो रहे हैं, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो रहे हैं यीशु के नाम में। आपने पिता हर एक को सिफा चंगाई दिया, हर एक रिपोर्ट कार्ड को आपने बदल दिया पिता, ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक दुख परेशानियां इनके जीवन से बाहर जाए, निराशापन दूर हो जाए। आज के उपास प्रार्थना में मैं आशीष और शांति की घोषणा करता हूँ, इनके जीवन में शांति आशीष से आ जाए पिता, मैं मिलाप की आत्मा आ जाए प्रभु जी, इनका जीवन आशो से भर जाए, निराशापन दूर हो जाए, निराशापन दूर हो जाए और पिता परमेश्वर हर एक शोक आनंद में बदल जाए, घरों में शांति और आशीष से जाए। आज के उपास प्रार्थना में इनके परिवार, इनके घर, इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका घर आशीषित हो जाए, इनका परिवार आशीषित हो जाए, इनके जीवन में मैं मिलाप की आत्मा आ जाए, सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता परमेश्वर, और सारा लड़ाई झड़ी की आत्माएं दूर हो जाए, शांति और आशीष की मैं घोषणा करता हूँ। आपने ऐसे आशीष और शांति इनके जीवन में दे दिया, मैं मिलाप की आत्माओं को दे दिया। हम धन्यवाद करते, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर निकलने पाए यीशु के नाम में। हर एक बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ इस उपास प्रार्थना में, इनके घरों में पिता छुटकारे का सामर्थ करने पाए, इनके परिवार, इनके बच्चे नशे के बंधन से आजाद हो जाए, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब इनके जीवन से बाहर जाए, हर एक बंधन टूट जाए आपके नाम से। ओ रे से खेरे वे, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं इनके जीवन से बाहर जाए। ओ पिता, हम आपके नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर एक दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और पिता जुआली आत्माओं से इनके जीवन से छुटकारा मिलने पाए, इनका घर, इनका परिवार आजाद हो जाए। आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। ओ रे से की जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए इस महीने, आप इनके जीवन पिता गुड न्यूज से ब्लेस कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। एग्जाम दिए, सफलता मिलने पाए, इंटरव्यू लगाए, कॉल आने पाए वहां से, और आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं पिता। आपने ब्लेस किया, आपने आशीष दिया, अपनी आंसुओं से आपने पिता इन्हें भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। रीमा रा सीखा रावा रेकम जयम, रेकम जयम। विश्वास करें, विश्वास करें, यस परमेश्वर अद्भुत कार्य प्रकट कर रहे हैं आपके जीवन में, अद्भुत चंगाई और छुटकारा को परमेश्वर आपके जीवन में भेज रहा है, सारे बंधन यीशु के नाम में टूट रहे हैं इसी समय पिता। हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं, जॉब की आज से मिल जाए, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है पिता उनका प्रमोशन होने पाए, इनकी सैलरी बढ़ोतरी होने पाए, और सारे बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपने ब्लेस किया, आपने आज से दे दिया पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते हैं।
सकते हैं पिता परमेश्वर, रिखा साबर बाहूलाबा रिखराबा रेकम जयम, जिनके पास पिता बच्चे नहीं, पिता शादी के सालों बीत चुके हैं, बच्चे के आशीष नहीं मिल पाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी और आपके नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें पिता और आपके नाम से आशीषित हो जाए। और पिता जो बंधन ब्लैक में जी काला जादू जादू अंधकार सत्यमाए अंधकार कत्माए कार्य करेंगे पेट के अंदर बीमारी वो सब दूर हो जाए और ये पिता बच्चे की आशीष से भर जाए पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भर दीजिए, आप इन्हें बच्चे की आशीष से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं, सारा बोझ चिंता परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए, जिस घर में ये प्रार्थना चरिए वहां किसी प्रकार का बंधन है वो बंधन टूटने पाए और चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से बाहर जाए, हर एक रास्ते ओपन हो जाए पिता, ओ चिंता की दीवार को मैं ढाहता हूँ, बंद द्वार खुल जाए, बंधन टूट जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए, स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाए पिता, सारा भू चिंता परेशानियों से आपने आजाद करके आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता जो भी चिंता है सब दूर हो जाए, हर एक घटी कमी पूरी हो जाए, हर एक जोड़ते पूरी हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, आपके नाम से हम इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं, आपने ब्लेस की आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोगों ने पिता जो पास में रुके हैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी आशीष से भर दीजिए, इनके उपास प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए पिता, आप इनको उपास प्रार्थना का उत्तर आप इन्हें देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, सारा बोझ चिंता परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। और लगातार 3 महीने तक हर फैड़े को पास रहने में सहायता और मदद करें, जितने लोगों ने पिता अपने बीज को बोया है प्रभु जी उन सबों को ब्लेस करें, इनके खत्तों को भरपूर करें, इनके अकाउंट को भरपूर करें, जितना पैसा बचता है पिता उसे महीने चलाने में सहायता करें, उस पैसे को मैं ब्लेस करता हूँ, फालतू खर्चे और बीमारी के तमाम इशू के नाम में बाहर निकलने पाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए पिता, ये फलवंत हो जाए, ये आशीष हो जाए पिता और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनके पिता सैलरी घर परिवार बिजनेस आशीष हो जाए, इनके बच्चे आशीष हो जाए, इनके काज हो खोल करें, अप्रमाशीष की वर्षा आप इनके जीवन में कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं। इनका पिता भेंट पिता आपने कहा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और पिता इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाती है, ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच बैठाती है, आप इनके जीवन मुनासों को डेलने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जिसका बर्थडे है जन्मदिन है पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हाँ पिता जिनका पिता परमेश्वर जन्मदिन है, जन्म से अभी तक आपने संभाला, एक नया साल दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये नया साल नई आंसुओं से भर जाए, नए साल में आशीष हो जाए पिता और ये नया साल इनके इनके परिवारों के लिए आशीषमय होने पाए, आपकी महिमा इस नए साल में इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता, हम आपके नाम से इस नए साल में इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। पूरे साल अपने पंखों की आड़ में छुपा रखकर डिल डोल में आगे बढ़ाइए और अपनी महिमा को उपयोग कीजिए, ये पिता परमेश्वर आशीष का साल ठहरने पाए, जिनका साल गिरा है जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला, नया साल दिया, धन्यवाद करते, नया साल नई आंसुओं का साल ठहरे, सारे बंद दरवाजे खुल जाए, बंधन टूट जाए और पिता इनका परिवार इनका जीवन इनका घर आशीष हो जाए पिता, जो केक काटे उस केक के ऊपर आपकी बड़ी आशीषें उतरने पाए और आपकी महिमा इस नए साल में इनके जीवन में प्रकट हो जाए, आपने इन सबों को आशीष किया, धन्यवाद करते हैं पिता। जो बाहर रहे काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं पिता, जहां भी है पिता पंखों की आड़ में छुपा रखिए, जो भी जॉब करेंगे जॉब में करने में सहायता कीजिए, आशीष कीजिए पिता, जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस फलवंत हो जाए आपके नाम से पिता परमेश्वर है और आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये फलवंत हो जाए, ये आशीषित हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता, ये नया पिता परमेश्वर है ओ रे सेखरवे, ये नया महीना इनके इनके परिवारों के लिए आशीष का महीना ठहरने पाए पिता, जो पिता बिजनेस करते उनका बिजनेस फलवंत हो जाए और जो पढ़ाई करे पढ़ लिखने में सहायता करे जॉब करने में सहायता करे पिता, पीआर वीजा की ब्लेसिंग मिलने पाए, सारे रुकावट बधाएं दूर हो जाए, इनके परिवार के लोग जहां कहीं भी रहते हैं पंखों की आड़ में छुपाए रखी, हर रेप को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं, जितनों ने पिता प्रार्थना को रिसीव किया हाँ और आमीन में आपने इन सबों को ब्लेस किया, धन्यवाद करें, रात में सुनाइने सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता मदद करें, प्रार्थना सुना धन्यवाद, ये शुक्रना पिताजी आशीष मांगते हैं, शुन दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके, जो अपने बीज को बोना चाहते हैं दिया गया है अपनी शक्ति और प्रभु अगुवाई में बीज को बो सकता है, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।